हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल एमपी वुड इंग्लिश मीडियम। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज जिस चैप्टर को हम कवर करेंगे वो है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इस वाले चैप्टर के मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूँ। इसके साथ गाइज मैंने आपको केमिस्ट्री के बचे हुए जितने सारे इसके पहले के जो चैप्टर थे उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए। अगर आपने वाली वीडियोज़ नहीं दी है देखी है, मैंने फिजिक्स और बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देके खत्म कर दिए। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ पे आपको सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी। आप हर एक लिंक पे क्लिक करके उस सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं। तो सही गाइस, आपको पहले मैं दिखा दूँ पिछले 8 साल में इस चैप्टर से कितने कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये था 2020 का क्वेश्चन। 18-19 में देखो गाइस, IUPAC नेम इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो IUPAC नेमिंग आपको नहीं आती है तो सीख लो, क्योंकि IUPAC नेम बहुत बार पूछा जाता है। ये देख लो 18 में, ये 17 का, 17 में भी IUPAC पूछा गया है, 16, 15 में भी IUPAC नेम पूछा गया है, 14 में भी IUPAC नेमिंग पूछी गई है, और 13 में आपको चिलट्स के बारे में पूछा गया था। तो अब मैं आपको बता दूं कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनता है वो IUPAC नेम। पिछले साल 2020 में IUPAC नेम्स नहीं पूछे गए थे, तो आपको मैं श्योर हूँ गाइस, मैं अच्छे से बिल्कुल श्योरली बता देता हूँ कि यार IUPAC नेम पूछा जा सकता है। और आपको IUPAC जो नेम है वो कहाँ से करना है, तो NCERT की जो बुक है उसके पीछे आपको जो एक्सरसाइजेस में IUPAC नेम्स देखने मिलेंगे बहुत सारे। अगर IUPAC नेम आया तो गाइस 100% लिख के ले लो, वहीं से आएगा IUPAC नेम। तो आपको जितने सारे IUPAC नेम्स दिए वहाँ से आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर IUPAC आया तो NCERT से ही आएगा, 100% गारंटी है मेरी। फिर उसके बाद आपको NCERT के लिए सॉल्यूशंस के लिए आपको जो कोई भी एक ऐप डाउनलोड कर लेना है NCERT सॉल्यूशंस का। हर वीडियो में बोलता हूँ गाइस NCERT के क्वेश्चन करो, आपको बार बार एग्जांपल भी देता हूँ कि कैसे पेपर में आपके डायरेक्ट NCERT से क्वेश्चन पूछ लिया है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट, वो है व्हाट इज आयोनाइजेशन आइसोमर्स, ठीक है, गिव एन एग्जाम्पल। तीसरा क्वेश्चन आता है व्हाट आर चिलेट्स, गिव एग्जाम्पल, चिलेट्स क्या होते हैं उसका एग्जाम्पल आपको लिखना है। चौथा आता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लिगेंड्स, गिव एग्जाम्पल, लिगेंड्स क्या होते हैं, लिगेंड्स के आपको एग्जाम्पल देना है। पांचवा क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो इनके आपको अगर आया तो डिफरेंस बिटवीन में आपको हर बार बताता हूँ कैसे टेबल बना के दोनों का डिफरेंस शो करना है। छठवा क्वेश्चन आता है डिफाइन द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल आइसोमर एंड स्टोइकोमेट्रिक आइसोमर्स, ठीक है। सातवां क्वेश्चन आता है व्हाट आर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, राइट इट्स टू एप्लीकेशन। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, बहुत ईजी से, बहुत अच्छी सी, अगर आप अपने मन से बनाओ तो बहुत ईजी से डेफिनेशन बनती है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की, और इसके दो एप्लीकेशंस आपको लिख के आ जाना है। गाइस अगर आपको कोई वीडियो में डाउट आया हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, मैं हर एक डाउट को आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो ये दो जगह है, आप यहाँ मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।